हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 से एग्जांपल नंबर 4। इन फिगर, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन। तो ये जो फ्लावर बेड है, ये वाला, ये जो यहाँ पे डार्क शेडेड किया हुआ है ना, वो हमारा यहाँ फ्लावर बेड है। इस तरफ भी, इस तरफ भी। और ये जो ए बी सी डी शेप है, वो क्या है? हमारी स्क्वायर की शेप है। ऑफ साइड 56 मीटर। और इस स्क्वायर की जो साइड कितनी? 56 है, स्क्वायर है, तो चारों साइड यहाँ पे इक्वल होगी। ये भी 56 होगी, ये भी 56 होगी, और ये भी 56। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगनल ऑफ द स्क्वायर लॉन। तो यहाँ में क्या गिवन है कि जो फ्लावर बेड बने हुए हैं सर्कुलर पार्ट में, पूरा सर्कल तो यहाँ बनाया हुआ नहीं है, बट ये जो जो जिस भी रेडियस से ये सर्कल बनाया है, तो इस सर्कुलर फ्लावर बेड का जो सेंटर है वो कहाँ है? इन दो, ये जो स्क्वायर के जो डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, वो इस सर्कुलर फ्लावर बेड का क्या है? सेंटर पॉइंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया इस तरह से, तो ये इसका सेंटर है। तो ये इस तरह से क्या किया हुआ, एक सेक्टर बनाया हुआ, और इसको ये फ्लावर बेड बनाया हुआ। तो ये पूरा सर्कल तो यहाँ बनाया नहीं है, सिर्फ ये जो सर्कुलर पार्ट है इस फ्लावर बेड का, इतना सा इस सर्कुलर फ्लावर बेड का जो सेंटर है, वो जो यहाँ पे दोनों डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड, यानी कि हमें इस पूरे शेप का क्या फाइंड करके बताना है, एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरियाज ऑफ द लॉन, लॉन हमारा कौन सा, ये ए बी सी डी है, और ये जो ये शेडेड पार्ट है, ये हमारा क्या है, फ्लावर बेड से। तो वन इस स्क्वायर का, टू और इस सेगमेंट का, यहाँ पे बस वन सेगमेंट स्क्वायर और ये दूसरा सेगमेंट, इन तीनों का हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करके बताना है। टोटल इस फिगर में, पूरे फिगर का हमें यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करके बताना है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जो मेथड ले रही हूँ उसमें स्क्वायर का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए बी सी डी जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया में हम फॉर्मूला लगा देंगे साइड स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। अब उसके बाद आपको ये फ्लावर बेड का एरिया चाहिए, तो मैंने अभी कहा कि ये पूरा सर्कल है, इसमें से सिर्फ हमारा ये जो सेगमेंट वाला पार्ट है, ये फ्लावर बेड पे है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे सेगमेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा सेक्टर होता है, ओ ए, ये पूरा सर्कुलर पार्ट और बी। तो अगर हम इस सेक्टर का एरिया ले लें, फिर इस सेक्टर का एरिया ले लें, फिर हमें इन दोनों का और एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का बहुत ईजी बना रही हूँ, स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, सेगमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें सिर्फ दो बार कैलकुलेट करना है, एक बार स्क्वायर के लिए, क्योंकि जितना इस सेगमेंट का एरिया होगा उतना ही इस सेगमेंट का एरिया होगा, तो हम सिमिलरली करके राइट कर लेंगे, और सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप देखो, एरिया ऑफ, यहां पे जो हमें फाइंड करना है, देखो टोटल एरिया ऑफ फिगर, टोटल एरिया जो हमारा आएगा, टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको हम यहाँ पे P नेम ले लेते हैं, ए पी बी, इसको हम Q ले लेते हैं, सेगमेंट ए पी बी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट ए डी क्यू सी हो जाएगा। ओके, तो ये बस ये थ्री एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लॉन का एरिया फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजी, स्क्वायर, तो लॉन यहाँ पे कौन है हमारा, ए बी सी डी है, सबसे पहले हम इसी का एरिया फाइंड करते हैं। गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इज 56 मीटर। ओके, तो फर्स्ट हमारे यहाँ फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन ए बी सी डी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला स्क्वायर है, इसलिए इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये तो है साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे कितनी है, 56, तो 56 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो 56 इंटू 56, जब आप इसको मल्टीपल करोगे 56 को 56 से, तो ये आंसर आएगा 3136 मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, जब हमें सेगमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको साइड में राइट करके बता दूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा होता है इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय टू साइन थीटा। ओके, ये हम ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको, यहाँ देखो ना, तो आपको भी यहाँ थीटा पता है ना, आपको यहाँ पे रेडियस पता है। तो रेडियस और थीटा हमें पता होगा, चाहे आप सेक्टर वाला तरीका यूज करो तब भी आपको थीटा और रेडियस पता होना चाहिए। अगर सेगमेंट वाला करेंगे तब भी हमें थीटा और रेडियस, एंगल और रेडियस दोनों हमें यहाँ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इन लो फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो, वी नो दैट डायगनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगनल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होगी, तभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाओगे। डायगनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, क्योंकि ये जो डायगनल है वो कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे, यानी कि ये जो यहाँ चारों एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के, एंड आर इक्वल, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये मैंने लिखा ना, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब कि ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इक्वल टू ओ डी है, और ये सारे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। तो आप यहाँ पे देखो, स्क्वायर के डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन किया था, तो अगर आपको किसी भी एक फिगर को, क्वाड्रिलेटरल को, अगर आपको एक स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम यही करते थे, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों डायगनल इक्वल होने चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी तो ये है, चारों साइड्स इक्वल, डायगनल इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डायगनल उनके इक्वल भी होंगे और इक्वल बाइसेक्ट भी करेंगे। अगर ओ ए 2 सेंटीमीटर है, तो ओ बी ओ सी ओ डी चारों ही 2 सेंटीमीटर होगी, और उसके बाद ये राइट एंगल यहां पे बनाएंगे, राइट एंगल पे बाइसेक करेंगे। मतलब कि ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री, ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री, ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होगा, यहां पे 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, और कहां पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो इतना हमें पता है, तो इससे हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको हम 2, इसको 3, इसको 4 ले लेते हैं। तो हमें बार बार सारे एंगल लिखने की जरूरत नहीं, हमने यहां पे इसको यहां पे नंबर दे दिया। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमारे यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी हमारा यहाँ पे, हम एक्स ले लेते हैं, कोई वेरिएबल ही लेंगे क्योंकि चारों साइड इक्वल है और हमें उनकी लेंथ नहीं पता है, तो हमने ये वेरिएबल ले लिया कि वो एक्स मीटर के इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं, मैंने ए ओ बी ट्राइंगल ले लिया, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये मैंने ए ओ ओ यहाँ पे है और ये ए बी है, ये स्क्वायर की साइड है, ये हमें कितने की बन है, 56 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करना है, एंगल तो हमने यहाँ बता दिया 90 डिग्री का है। तो अब यहाँ पे देखो, ओ ए अभी हमने कहा कितनी, एक्स है, ओ बी भी हमने कहा यहाँ पे कितनी, एक्स है, और ये एंगल यहाँ पे जो है हमारा वो कितना है, 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनस होती है, इसमें से कोई भी बेस हो गया और कोई भी परपेंडिकुलर हो गया, तो हम इससे, इस ट्राइंगल से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लो, हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे कितना है, 56, तो ये जो जो भी 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो 56 का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस हमने ये ले लिया, ओ ए ले लिया, तो ओ ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर भी हमारा यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक बार हम साइड और लिख रहे हैं, हाइपोटेनस कौन है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमने ओ ए लिया, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ बी का स्क्वायर, तो ओ ए बी 56 है, ओ ए एक्स है और ओ बी भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ 56 का स्क्वायर आ गया। तो दिस एम्प्लाय 56 का स्क्वायर हो गया 56 × 56 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² हो गया। हमें तो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को इधर ट्रांसफर कर देते पहले, तो ये हो गया 56 × 56, यहाँ पे 2 मल्टीपल में तो डिवाइड में चला गया। ओके तो अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 के टेबल से 56 कैंसिल हो गया, 2 टाइम और 1 6, तो
एट, तो दिस इम्प्लाइज 56 इंटू 28 हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से एक्स नहीं फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ पे दोनों जगह जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, आर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको एक्स की जगह पे आर ही ले लेते हैं ताकि रेडियस ही हो जाएगी ना, ये हम आर ही ले लेते हैं। दो दो वेरिएबल लेने से अच्छा है ये हम आर ही ले लेते हैं। ओके तो ये हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे देखो, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये सर्कल नहीं बन रहा है, बट आप यहाँ पे देखो, मैं एक कंपास की हेल्प से आपको यहाँ पे बता कर दूँ कि ये पूरा सर्कल बन रहा है। ये फिगर एक्चुअल में ये सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे ओ ए रेडियस का मैंने यहाँ पे कंपास ओपन किया, फिर इस फिगर को बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे बनाया, ये इस तरह से ये दो ज्वाइन किया और यहाँ पे इसको ज्वाइन किया। देखो बन रहा है ना सर्कल बिल्कुल, ये देखो बन गया। तो अब ये सर्कल है तो क्या ये सेगमेंट नहीं हो रहा, ये इस तरह से सेगमेंट, सेगमेंट हमारा यही तो होता है, ये पूरा ए ओ बी पी तो सेक्टर होता है और ये वाला जो शेडेड पार्ट है सिर्फ इसको फाइंड करना होता है, तो ये सेगमेंट होता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कि ये पूरा सर्कल बन रहा है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ हमारे पास रेडियस का स्क्वायर हो गया, हम इसको इसलिए नहीं सॉल्व करें क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आर स्क्वायर ही है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, एक स्टेप हमारी और नहीं बढ़ा रहे कि इसको सॉल्व करने में अपना टाइम को खराब करें। अब आप यहाँ पे क्या करो, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर लो। तो आप यहां पे देखो, दोनों ही सेगमेंट, चाहे ये वाला सेगमेंट हो चाहे ये वाला, ये सी डी साइड पे बना हुआ सेगमेंट हो या ए बी साइड पे बना हुआ सेगमेंट हो, दोनों का एरिया हमारा सेम ही आएगा क्योंकि रेडियस भी सेम है, ओ ए ओ बी इक्वल है ओ सी ओ डी के, और यहाँ पे जो एंगल है वो भी सेम है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों का ही एरिया यहाँ पे क्या होएगा, सेम होएगा। तो हम एक का फाइंड करेंगे दूसरे का सिमिलर करके लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा लग जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पे, इक्वल टू थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, ये रहा अभी हमने प्रूव करके बताया, यहाँ पे सॉल्व किया 360 डिग्री, पाई पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 22/7 राइट कर लेते हैं। फिर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पे हमारा कितना है 56 इंटू 28, ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, हमने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे। फिर माइनस अगेन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी यही है 56 इंटू 28 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, आप यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 के टेबल में 36 कैंसिल 4 टाइम, तो 4 के टेबल से हमारा यहाँ पे 56 को कैंसिल करते हैं 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो 14 हो गया, और 7 के टेबल से 14 हो गया 2 टाइम, तो अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ से हमारा कितना बच गया फिर 22 इंटू 2 इंटू 28, माइनस 2 के टेबल में हम यहाँ पे कैंसिल करते 56, तो ये हमारा आ गया 28, तो ये हो गया 28 इंटू 28 हो गया। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 होता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखना है, नहीं तो आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे मैंने बनाते हैं सारी याद तो होगी नहीं, बहुत सारी है सारी, इतनी सारी वैल्यू लर्न नहीं होगी, तो आपको उसको टेबल बनाने का तरीका देखना पड़ेगा। ओके तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो ये सारे मल्टीपल करो, ये सारे मल्टीपल करो तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 28 यहाँ भी है 28 यहाँ भी है, चाहे ये ले लो, दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे 28 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बच गया 22 इंटू 2, यहाँ से 28 बच गया, ईजी हो गया, अब मल्टीपल करने वाली स्टेप कम हो गई। अब इक्वल में 28 हमारा यहाँ है, ये 22 इंटू 2 44 माइनस 28 हो गया, तो बस ये एक बार ही मल्टीपल करना रहा, 28 इंटू 44 माइनस 28, तो यहाँ पे 14 माइनस 8 हमारा कितना हो गया 6 और 4 माइनस 3 हमारा हो गया 1, तो 28 इंटू 16 हो गया। तो इसको जब 28 इंटू 16 करोगे तो ये 448 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके तो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हुआ ए पी बी का। अब सिमिलरली यहाँ पे भी इसका, इस सेगमेंट का एरिया भी हमारा सेम होगा, तो इसको हम राइट कर लेते हैं। तो नाउ सॉरी सिमिलरली एरिया ऑफ सेगमेंट डी
क्यू सी इक्वल टू भी हमारा कितना आएगा, जितना यहाँ पे आया ए पी बी का, तो यह 448, तो ये भी हमारा आएगा 448 मीटर स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा हमारा 90 डिग्री है एंड रेडियस जो है यहाँ पे इसके लिए भी कितनी है हमारी 56 थी। जो ये ओ डी और ओ सी हमारी सेम है, यहाँ पे देखो फिगर में ओ डी और ओ सी हमारी यहाँ पे सेम है, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ लिख के बताया, ये चारों जो है यहाँ पे रेडियस जो हमने कैलकुलेट की वो सबके लिए सेम आ रही है, तो इसलिए वैल्यू भी हमारी यहाँ पे क्या आएगी, सेम। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो नाउ टोटल एरिया, नाउ टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन, इसको हम इक्वेशन वन कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू कर दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर थ्री कर दिया। तो नाउ टोटल एरिया, तो यहाँ पे लिख लेते फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सिर्फ वैल्यू पुट करना है अब यहाँ पे। एक हमारा एरिया ऑफ लॉन भी रह गया, तो ये हमारा रह गया, इसको हम सेकेंड कर देते हैं, ये हमारी थर्ड हो गई और ये हमारी यहाँ पे फोर्थ हो गई, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हो गया। ओके, तो टोटल एरिया, एरिया ऑफ लॉन हमारा कितना आया था, तो ये 3136 आया था, तो ये हो गया 3136। फिर हमारा यहाँ पे प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, तो ये हमारा यहाँ पे जितना इसका आया 448, तो ये भी 448 आया। प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट डी क्यू सी, तो ये भी हमारा 448 आया। नाउ इन सबको ऐड करना है और हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 8 + 8 = 16 और 16 + 6 + 6 हमारा 22, कट 2 कैरी 1, 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9, 9 + 3 = 12, तो ये यहाँ पे 9 + 3, अच्छा यहाँ पे कैरी हमारी 2 आएगी, तो 4 + 4 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 2 = 13, का 3 कैरी 1, तो 4 + 4 = 8 और ये 3 + 1 = 4, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9 और एक कैरी था हमारा 10, 10 का 0 और यहाँ पे कैरी 1, तो 3 + 1 हो गया 4, तो 4032 मीटर स्क्वायर हो गया। तो हैंस टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड इज 4032 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको मैंने क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से कराया है, जो फॉर्मूलाज आपको पता है इस चैप्टर के लिए उसी फॉर्मूले से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।